सीजो न्यूज, हर खबर आप तक। मुजफ्फरपुर जिला के अहियापुर थाना क्षेत्र के जीरो माइल स्थित इंदिरा नर्सिंग होम के पास अपराधियों ने सोमवार की देर शाम एक महिला से चैन छीनने का प्रयास किया। इसका विरोध करने पर महिला के पति पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ 3 गोली चला दिया। घायल की पहचान रिटायर्ड दरोगा रामदेव राय के रूप में हुई है। छिनतई के बाद अपराधी मौके से फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार रिटायर्ड दरोगा रामदेव राय अपनी पत्नी के साथ जीरो माइल से सब्जी खरीदकर वापस घर लौट रहे थे। इसी क्रम में बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल को बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक बताया गया है। वहीं पुलिस इस मामले में तफ्तीश में जुटी हुई है। घटना हुआ जो चाचा सब्जी लेके आ रहे थे, ठीक ना, नर्सिंग होम से 100 मीटर आगे इनको 2 बार खटखट का आवाज हुआ, तो हम लोग दरवाजे पर नर्सिंग होम के सामने हमारा घर हुआ। हम लोग दौड़े, हम थे और एक पप्पू भाई, 2 आदमी थे, दौड़े। जब तक दौड़े तब तक देखे चाचा नीचे गिरे हुए थे, और अपाची, व्हाइट कलर का अपाची था, ड्राइवर हेलमेट पहना हुआ था, और पीछे वाले पे हम लोग उतना गौर नहीं किए, क्या कि चाचा के हाथ में खून का फव्वारा मार रहा था। तो जब तक हम उनके नज़दीक गए तब तक वो गाड़ी पर बैठ के बढ़ गया था। उसके बाद हम लोग चाचा का देखा ब्लड ज्यादा हुआ, तो गमछा बगल वाले से मांगे और गमछा में लपेट के इनको यहाँ लेकर डायरेक्ट आए। हाँ, हाथ में गोली लगा, हाँ, चैन छिना है। उनकी वाइफ भी साथ में थी जिनका चैन छिना है। कुमार सानू नाम हुआ उनके, बस नियरर हुए कर्मी आरडी राय। दिन दहाड़े उनसे पत्नी के चैन स्नेकर ने चैन छीन लिया, जिसका विरोध इन्होंने किया, ताबड़तोड़ 3 गोलियां इनके सीने में दाग दी। और मैं कहना चाहता हूं कि इसके बाद भी स्थानीय थाना अध्यक्ष को फोन किया कि वो रिस्पॉन्स 1 घंटा के बाद हॉस्पिटल अभी पहुंचे हैं। टाउन DSP साहब को मैंने फोन पर सूचित किया, लेकिन उन्होंने भी रिस्पॉन्स उतना नहीं लिया। मेरा कहना है कि मुजफ्फरपुर में जो रात दिन छीनई चोरी की घटना जो घट रही है, सरेआम लोगों को गोली मार दिया जाता है और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस साफ निष्क्रिय है, वो अन्य कामों में लग करके पूरे मुजफ्फरपुर के स्थिति बस से बेहतर है या महाजंगल राज है, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं डॉक्टर गरीबनाथ। प्रशासन, सबसे पहली बात, इंदिरा नर्सिंग होम में दिन पर दिन क्राइम होते जा रहा है, बट कभी आ नहीं रहे हैं। मौका के बाद आते हैं जब आदमी हत्या हो जाता है। अहियापुर में आप देख लो उल्टा के पेज, डेली घटना हो रहा है। प्रशासन कब पहुंचती है? मौके के बाद पहुंचती है। आज क्या हुआ है? अंकल आ रहे थे, एक्स इंस्पेक्टर हैं, अपने वाइफ के साथ आ रहे थे सब्जी खरीद के। चैन स्नेचर ने चैन छीना, अंकल ने विरोध किया और उनको डायरेक्ट 2 गोली मार दिया सीना पे। आज हम नौजवान हैं, कल हम निकल रहे हैं, हमें कोई गोली मार दे, हम लोग सुरक्षित हैं। नाम क्या है? आरडी राय। इंस्पेक्टर, एक्स इंस्पेक्टर थे। मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ। एक आदमी को गोली मारने की सूचना मिली हुई है, रामदेव राय को, जो रिटायर पुलिस है, उन्हीं को देखने के लिए माँ जानकी हॉस्पिटल में आए। घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है।